प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विभिन्न योजनाएं प्रदेश की मनाली विधानसभा के दूरदराज के गांव सोलंग के लोगों के लिए कोरोना काल में वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत गांव के सभी किसानों को अब तक 6000 रुपए की राशि मिल चुकी है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा बीज, खाद और स्प्रे का सामान खरीदने में किया गया है। गांव वालों का कहना है कि कोरोना काल में इनके पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था, ऐसे में इस योजना के तहत उनके बैंक खातों में पैसा मिलने से उन्हें काफी मदद मिली है। हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो खाद बीज नहीं लिया जाता था, अब मला हमने खाद बीज लिया और उसे बहुत लाभ हो गया। मोदी जी का धन्यवाद। मोदी सरकार 6000 रुपए देती है, इसके हम खाद बीज लेते हैं तो हमारे को बहुत फायदा हो गया। किस टाइम हमारा पैसा नहीं होता तो उस टाइम खाली रहती है जमीन, जब मोदी जी ने पैसे दिए उससे हमारा फायदा हो गया कि उसका की खाद खुद कुछ लेके बाजार से लाते हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलने से स्थानीय महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, यही नहीं महिलाओं को खाना बनाने में भी समय की बचत हुई है। गैस चूल्हा और सिलेंडर मिलने से हमें हमारा टाइम बचता है, जिससे हमारा खाना जल्दी बन जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और इसलिए इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे गैस सिलेंडर मिला है मोदी जी, जैसे उसमें मुझे खाना बनाना एकदम से इजी लगता है गैस पे और खाना भी जल्दी बनता है, इससे मुझे बहुत सुविधा हुई है। इस तरह कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विभिन्न घटक समाज के अलग अलग वर्गों के लिए न केवल फायदेमंद साबित हुए बल्कि इस मदद ने उनकी रोजी रोटी की चिंता भी खत्म की है। मनाली से डीडी न्यूज के लिए मोहन सिंह बुकटापा की रिपोर्ट।